पीयरिंग, पीयरिंग को मैंने देखा कि ऑटिस्टिक बच्चों के साथ सबसे जो फ्रूटफुल एक्टिविटी और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी थी वो पीयरिंग। जब आप एक ऑटिस्टिक बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे के साथ उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन करके उसकी जब पेयरिंग करते हैं और उसको आप ग्राउंड में लेके जाते हैं तो इसके रिजल्ट्स दे आर वेरी अमेजिंग। इसके अलावा स्पोर्ट्स है, अर्बन मेडिसिन में मेरा जो फाइंडिंग है, मैंने ये समझाऊँ ऑटिज्म को इतने ऐसे में, ऑटिज्म इज अ केमिकल इम्बैलेंसमेंट इन द बॉडी। आप केमिकल इम्बैलेंसमेंट को ठीक कर दें, ऑटिज्म 60-80% रिकवर हो जाता है। इसके अलावा मैंने अपने स्कूल में डिटॉक्स वाटर ये बच्चे इस्तेमाल करते हैं, योगा, मसाज थेरेपी है, डाइट प्लान है और स्पिरिचुअल कनेक्शंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। मैंने जो 25 साल में सीखा है ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करते हुए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है देयर फ्रीक्वेंसी। जब तक टीचर और बच्चे की फ्रीक्वेंसी आपस में नहीं मिलती, नथिंग हैपन्स। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि ऑटिस्टिक बच्चों के जो टीचर हैं उनको हर फन मौला होना चाहिए। मैंने इन बच्चों के साथ 25 साल जो काम किया तो जिस नतीजे पर मैं पहुँचा कि ऑटिस्टिक बच्चों का जो ओरा होता है, इनके ओरा होता है, अगर आप इनकी जुबान में, इनके रवैये में, इनकी फ्रिक्वेंसी में इनसे प्यार करना शुरू कर दें तो ऑटिस्टिक बच्चों का जो हीलिंग हो रहा है, जो इनके इर्द गिर्द होता है, वो आपको हर फन मौला बना देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिल के तारे, ये किरदार।